जब एक सामान्य सफर एक अनोखी कहानियों का सफर बन जाता है। एक दिन, 10 घंटे और एक सफर जो हमें ले जाता है शिमला से चितकुल, द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान होता है? निकाल दो, निकाल दो। बर्फ है देखे सामने। हाथ पूरे जम चुके। राइट साइड में पहाड़, सर के ऊपर पहाड़ और लेफ्ट साइड में सीधा 90 डिग्री की खाई। ये कहाँ भाई? गिरते गिरते बचा। या तो बर्फ ही बर्फ है। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी जो फिलहाल के टाइम हुए वो हुए 8:30 बज चुके और हम जो है वो शिमला में पहुंच चुके। वैसे तो हमें जो है वो मनाली में जाना था, लेकिन वहाँ पे बहुत ही भयंकर बर्फ़ होने की वजह से हमने जो रूट वो उल्टा कर दिया। मतलब जो लास्ट में करना था वो फर्स्ट कर लिए और जो फर्स्ट करना था वो लास्ट करने वाले। तो आगे मेरे सामने बहुत ही प्यारा वैली का व्यू है, लेकिन धूप सामने होने की वजह से दिखाई देगा या नहीं पता नहीं, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा आगे जाते ही मुझे दिखाई देते हैं स्नो कैप माउंटेन्स, लेकिन एक सेकंड, ये आपको वीडियो में नहीं समझेगा, आप ये इमेज देखिए। आगे जाके हम एक होटल में रुकते हैं ब्रेकफास्ट और फ्रेश होने के लिए, और वहाँ पे जाके मेरा रिएक्शन क्या रहता है आप खुद देख लीजिए। ओह शिट यार, यहाँ पे तो मैं वहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे एक अलग ही सीन है, अलग ही नजारा है वहाँ पे यार, अलग ही नजारा है। आप नजारा देखिए, यार अपने उधर का भी क्या व्यू था। मतलब जब कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता, कौन सा भी कैमरा रहने दो, कितना भी महंगा रहने दो, जो आंखों से हम देखते हैं ना वो कैमरा से नहीं देख सकते। अलग ही सीन है, अलग ही, और आगे तो और अलग सीन होने वाला है। तो हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो आ चुका है। ब्रेकफास्ट में मैंने मंगाए छोले भटूरे। आप क्योंकि पूरे स्पीति में हमें जो खाना मिला वो इतना टेस्टी था कि पूछो ही मत। और खाना खाने के बाद हम कुछ ही किलोमीटर आगे जाते हैं, और अभी जो है हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके क्योंकि पीछे हमने खाना वगैरह खाया, देख सकते हो गाड़ी, क्योंकि समझ जाना क्या हुआ है, रास्ते बहुत ही गोल गोल वाले हैं इसलिए तकलीफ हो रही है। A few moments later, देखिए फिर से हम एक बार रुके, बताऊंगा नहीं क्यों, लेकिन रुके, समझ जाओ, समझने वालों को इशारा करते हैं। अभी तक के आपके जो रास्ते तो बढ़िया है, लेकिन जिनको वो दिक्कत नहीं है ना उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। और हम पहुंचते हैं नारकंड, और यहाँ पे मुझे दिखाई देती है मेरी लाइफ की पहली स्नो। इच्छा तो बहुत ही यहाँ पे रुकने की, लेकिन नहीं रुक सकते थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे हम बर्फीले पहाड़ के और नजदीक जाते जा रहे थे। A few moments later, रास्ते में मुझे थोड़ी सी नींद आ गई, और जब मेरी आँख खुली तब बर्फीले पहाड़ों की जगह ले ली थी सुनसान वीरान पहाड़ों ने। तो चले अभी हम जो है वो रामपुर शहर है हिमाचल में, उससे थोड़ा सा आ गया है, छोटा सा ब्रेक लिया है। अभी हमारे ड्राइवर फिर से निकल पड़ी है। हमारा सफर थोड़ा सा शांत शांत जा रहा, तो हमारे जो कैप्टन साहब है वो हमसे खिलवाते हैं एक गेम। और मजे की बात ये है कि ये गेम में पहली बार सुना और गेम था जिससे क्वेश्चन पूछेंगे उसके राइट वाला आंसर करेगा। Okay. और सवाल का आंसर से दूर दूर तक लेना देना नहीं होना चाहिए, और क्विक आंसर देना है। जैसे कि आसमान का कलर क्या है? हाथी पागल हो गया। तो पहले गेम में तुम पहली बार हो गए, और अभी आप बाकी का गेम एंजॉय कीजिए। बगल में क्या है? मैंने खाना खा लिया। कब? मैं होमवर्क कर रहा हूँ। किसका होमवर्क कर रहे हैं? ये पानी पीना है। ठंडा या गर्म? पहाड़ ऊंचा है। पहाड़ ऊंचा है? कितना ऊंचा है पहाड़? गड्ढा खाली हो गया। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे रास्ता और खतरनाक होता जा रहा था। फिलहाल के लिए अभी जो टाइम हुआ है वो टाइम हुआ है 3:15 बज चुके। हम रुके एक छोटी सी जगह पे लंच करने के लिए। यहाँ पे पूरे के पूरे पहाड़, और ये दिख रहा है आपको क्या खूबसूरत दिख रहा है ये। तो आप ये जो देख रहे हो ये है किन्नूर की एंट्री। खाना खा के हम निकल पड़ते हैं हमारे मंजिल की, और अभी हम एंट्री करते हैं किन्नूर वैली में।
पता नहीं क्यों लेकिन मुझे डर लगने लग रहा था और उसी के साथ मुझे मजा भी आ रहा था। फिर मैं रास्तों से नजर हटा के पहाड़ों की ओर देखने लगता हूँ और मुझे याद आता है रास्तों की परवाह करूंगा तो मंजिलें बुरा मान जाएंगे, लेकिन मैं गलत था। ऐसे में क्यों गिरा हुआ आपको आने वाले वीडियोस में पता चल जाएगा। और मैं सफर को एंजॉय कर ही रहा था तो मुझे दिखाई देता है ऐसा मंजर जिसको मैंने सिर्फ वीडियोज में देखा था, मतलब पहाड़ के एज को काट के बनाया हुआ रास्ता। राइट साइड में पहाड़, सर के ऊपर पहाड़ और लेफ्ट साइड में सीधा 90 डिग्री की खाई और वो जो नजारा था, ओए, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। यहाँ पे रुक के मुझे फोटो और वीडियोस निकालने की इच्छा थी, लेकिन अफसोस हम यहाँ पे नहीं रुक सकते थे क्योंकि टाइम की कमी थी और खुद की कार नहीं थी। यहाँ पे मुझे एहसास होता है कि अगर खुद की कार होती तो क्या ही कहना था। जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था उसी के साथ मेरा मन का डर भी बढ़ रहा था, क्योंकि पहले तो रोड के साइड हल्का सा सपोर्ट था लेकिन अब ये भी नहीं था, लेकिन नजरे पूरे थे। अब नजर आया ना। और अब गाड़ी देखे रास्ते के कितने कॉर्नर से टर्न लेते, और ऐसा एक टर्न नहीं था, बहुत सारे टर्न थे। और थोड़े से आगे जाते ही मुझे दिखाई देता है इतना बड़ा पत्थर जो खाई के एकदम एज पे रुका था। इसकी वजह से मेरे मन में जो डर था और बढ़ रहा था, और उसी के साथ रास्ता तो खतरनाक था ही लेकिन अब तो टेम्परेचर भी माइनस में चला गया था। कहाँ 12 घंटे पहले 23 टेम्परेचर था और कहाँ माइनस में। और हम पहुँचते हैं सांगला वैली और मैं पहली बार माइनस में गाड़ी से बाहर उतरता हूँ और मेरी हालत क्या होती है आप खुद देख लीजिए। अरे भैया जी, बस में तो ठंड नहीं लग रही थी लेकिन जैसे बाहर आ गए ना कि एक दो अंदर और दूर फटी पड़ी। और आपको एक बात बता दूँ, सामने जो है ना यहाँ पे पूरा बर्फ है, पूरा हाथ भी अभी जमने शुरू हो गए, ज़्यादा उछल कूद नहीं करेंगे यार। कोई लाइव टेम्परेचर दिखाया गया था तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। लाइव टेम्परेचर दिखा दो। हमारे ऑडियंस को टेम्परेचर देखना है जी, उनको भरोसा नहीं हो सकता। टेम्परेचर देखिए, स्पीटी वाली की टेम्परेचर भी -10, ठंड तो भयंकर है। लेकिन हमारा असली एडवेंचर तो यहाँ से शुरू होता है यार। अभी जो है ना जस्ट हमारे ट्रेवलर के सामने से जो है वो स्नो लेपर्ड गया यार, जस्ट एक सेकंड देखने से हम मिस हो गए, नहीं तो हमें स्नो लेपर्ड देखने को मिलता। और कहते हैं स्नो लेपर्ड जो है वो बहुत ही नसीब वालों को देखने को मिलता है, शायद से आज हमारा नसीब नहीं था। तो अभी हमें इंडिया के लास्ट विलेज चितकुल में फटी पड़ी है, क्योंकि लास्ट के आधे घंटा तो फटी पड़ी थी क्योंकि हमारी जो गाड़ी वो ऐसी स्लिप हो रही थी क्योंकि बर्फ है ना। हम हमारे होम स्टे से कुछ मीटर पे दूर पे थे और आखिरकार वही होता है जिसका हमें डर था। आप देख सकते हो अभी हमारी यहाँ पे गाड़ी जो है स्लिप हो चुकी है। यहाँ पर हमारे मुश्किलें बढ़ गई थी, लेकिन कहते हैं ना मुश्किलें कभी अकेले नहीं आती, वो अपने साथ और मुश्किलें लेके आती है, इसलिए एंड तक जरूर रुकना क्योंकि असली स्ट्रगल यहाँ से चालू होता है। सबसे पहले हमें टायर के सामने से बर्फ को हटाना था। यहाँ पे हमने टायर के सामने से अच्छे से बर्फ निकाली थी लेकिन पहला ट्राई हमारा फेल जाता है और हम फिर से ट्राई करते हैं। बर्फ है यहाँ पे, निकालनी पड़े बर्फ, यहाँ पे बर्फ ही दिखे सामने। अब टायर किस जगह कर दिए? नहीं, टेढ़ा ही है टायर, टेढ़ा है टायर। ये भी हमारा ट्राई फेल जाता है, फिर हम गाड़ी रिवर्स करके निकालने की कोशिश करते हैं, वो भी फेल। फिर हम गाड़ी को सुनिए न्यूट्रल करके छोड़िए, रेस मत दीजिए, न्यूट्रल करके छोड़िए, वो भी फेल। आखिर में बचता है कहाँ से देना होता है। यहाँ की तो फुटेज मेरे पास नहीं है लेकिन हम
तीन से चार बार गाड़ी को धक्का देते लेकिन गाड़ी जरा सी भी नहीं हिलती। लेकिन आखिर में हम सब कहते जय बजरंग बली और गाड़ी जो है बस एक सेकंड में निकल जाती है। इस मुसीबत से तो हम निकल गए लेकिन असली मुसीबत तो होम स्टे पे हमारा इंतजार कर रही थी। अभी अलग ही सीन हुआ पड़े। हमें पता चलता है कि लाइट की लाइन टूट चुकी है और आज पूरी रात हमें लाइट नहीं मिलने वाली, मतलब इलेक्ट्रिक बेड काम नहीं करेगा और टेम्परेचर है अभी -10। और आपको अभी बाथरूम दिखा तो आप बाथरूम देखिए। देखिए इसमें मैं कोई भी कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको विंटर स्पीड में रियलिटी क्या होती है वो दिख रहा हूँ। लेकिन इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद पता नहीं क्यों लेकिन हम खुश थे। ये कहा भाई गिरते गिरते बचा, या तो बर्फ ही बर्फ है। हाँ ये देखिए, ये वॉश बेसिन देखे, इसमें तो पानी जम गया है। अरे भैया जी इसमें नहीं जमा, हम तो जाने वाले ही नहीं है, अंदर नहीं जाएंगे हम कहीं पे। बर्फ कैसा आई लेकिन अंदर बर्फ जमी पड़ी है भेंडी। फिर आपसे बाहर मिलता हूँ पूरा पैक होके। A few moments later. चखना मेरे बैग। तो अभी जो टेम्परेचर चल रहा है माइनस और सारे भाई वेट मत कराओ दारू कर रहे हैं तो उनके जो पैक है वो ठंडा हो जाएगी। चलो चीयर्स। उन सारों ने हम चीयर्स चिचितकुल। चीयर्स चिचितकुल। लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। ठंडी नॉर्मल है वैसे और माइनस। वेट वेट एक बात बताओ, सारे यहाँ पे जर्किंग डाल के बैठे और अरे जैकेट जर्किंग जो भी है और हमारे जो कप्तान साहब है -8 में वो आके बस टी शर्ट और पैंट में बैठे सिर्फ। उनका अलग ही सीन है। कई तरह ले कुछ कहना नहीं वाले भाई। अरे हाँ सब सही है। कनाडा वाले भाई अभी कुछ नहीं बोलो मत किए। आप मुझे ये कह रहे हैं कि हम अपने स्पीति ट्रिप में हैं, इट्स डे 1 एंड हम चिटकुल पहुंच चुके हैं और बहुत मजा आ रहा है। ऑल इज वेल। ओल्ड मॉन्क और पहाड़ और ठंडी कॉम्बिनेशन नहीं है। बॉन फायर के सामने बैठ के हमने बहुत सारी मस्ती की, बहुत सारे गाने सुने और बहुत सारे गप्पे मारे, एक दूसरे के बारे में जाना। देखिए यहाँ पे हमारे पास ऐशो और रम वाली कुछ भी चीजें नहीं थी लेकिन पता नहीं क्यों हम सब खुश थे। देखिए यहाँ पे मुझे एक गजल याद आती है, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बर्फ की ठंडक और बॉन फायर की गर्माहट। बर्फ की ठंडक और बॉन फायर की गर्माहट। भारत के आखिरी गाँव चितकुल की रातों में बसी दिल की सोगा। यार अभी जो है ना टाइम हुआ है रात के 12 बजे और आप यहाँ पे जो देख रहे हो हम सब यहाँ पे फोटो निकालने के लिए रुके। इतनी कमाल की फोटो आ रही है ना मैं आपको बता नहीं सकता। मैं आगे फोटो लगा दूंगा आप देख लेना, एक नंबर फोटो। और मतलब यहाँ से जो नाइट का व्यू है ना माइंड ब्लोइंग, मेरे लाइफ का अब तक का अभी -10 से फुल सबसे बेस्ट मोमेंट है। मैं कुछ देर कुछ भी बोलूँगा नहीं, आप जो बस है ना इसकी आवाज़ सुनना और इसके साथ में वो जो फोटो है वो लगा दूंगा हेडफोन पे फुल वॉल्यूम करके सुनना, मजा आ जाएगा आपको। और ये बैकग्राउंड वाइज नदी के पानी के एग्जैक्टली मैं वहाँ पे उस समय पे कैसा फील कर रहा था वैसे फीलिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ। The next morning. यार ये अलग ही सीन पड़ा है। 20,000 mAh की पावर बैंक है, मोबाइल स्विच और पावर बैंक, इतनी ठंड के पावर बैंक काम नहीं कर रही। अभी शूट कैसे करूँ ये सबसे मेन बड़ी दिक्कत है। तो फिलहाल के लिए वहाँ पे जा रहा हूँ और पावर बैंक गर्म करके देखता हूँ चालू हुई तो हुई, नहीं तो GoPro निकलना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है GoPro भी चलेगा क्योंकि ठंड बहुत है और बैटरी उसकी डेड हो चुकी होगी। चलिए मिलते हैं आपसे। हाँ नहीं देखिए मेरी पावर बैंक सैमसंग की बैटरी GoPro की बैटरी सब कुछ डाउन हो चुकी है लेकिन आखिरकार मेरा साथ दिया मेरे लैपटॉप ने। लैपटॉप में 100% बैटरी थी तो अब मैं लैपटॉप से आईफोन चार्ज करूंगा फिर बाद में हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारे जो है ना गरीबी में अटक गए, कल से यहाँ पे आए वहाँ की लाइट की लाइन ही टूट गई, रात भर लाइट नहीं है और ये जो बेड है इलेक्ट्रिक है, ठंडे बेड पे सोना पड़ रहा है। और आप देखिए हमने जो है एक ये दो तीन ब्लैंकेट, ये एक दो और अंदर और दो लेयर, मतलब 7 लेयर करके हम सोए थे। फिर भी
ठंड लग रही थी, आप सोच सकते हो कितनी ठंड है। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा लैपटॉप और जो मोबाइल है वो मैंने चार्जिंग के लिए लगाया, लेकिन मोबाइल जो है वो चार्ज ही नहीं हो रहा। और आपको देखो बर्फ कितनी, मतलब बर्फ कितनी है। यहाँ पे आइए मेरे पीछे, यहाँ पे देखिए, ये जो है ना ये खिड़की है और ये पूरी की पूरी बर्फ, मतलब बर्फ का पहाड़ है। आपने देखिए अंदर की कहानी, अभी मैं आपको स्वर्ग दिखाता हूँ कि स्वर्ग एग्जैक्टली होता कैसे। बस ये देखिए, ये है हमारे इंडिया का स्वर्ग। लास्ट विलेज चितकुल में, तो यार आप यहाँ का जो है ना नजारा देखो, मतलब अलग ही सीन है यार, एक स्वर्ग की तरह। आप देख लीजिए पहाड़, यहाँ पे झरना बहता हुआ, पहाड़ बर्फ, अलग ही सीन है। और यहाँ पे जो सारी बर्फ, और आपको बता दो उनको, वो जो है ना वहाँ से हम कल नीचे आए थे और उस बीच में हमारी गाड़ी फंस गई थी वहाँ पे, फिर हमने वो निकाला था। वो देखिए हम जो है ना वो है इन सारे रूमों में हम रुके थे, अभी हमारा ग्रुप फोटो होने वाला है तो ग्रुप फोटो लेते फिर देखो। गाइस रेडी, बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द सीन, नहीं 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 नहीं, वेट वेट। यहाँ पे हमने बहुत सारे फोटोज और वीडियो शूट किए, इन सबसे इंट्रोडक्शन मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। यहाँ पे GoPro की अलग सेटिंग थी, इसलिए GoPro के माइक ने वॉइस कैप्चर नहीं किया, लेकिन मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि इस होमस्टे के जो ओनर थे वो इतने प्यारे और हेल्पफुल थे कि पूछो ही मत, और उनके हाथ का खाना ओए होए होए। अभी मैं आपको मिलाता हूँ दो भाइयों से जिन्होंने हमारे जो लगेजेस थे वो रूम से कार तक और कार से रूम तक लाने में बहुत हेल्प की। तो ये पहला भाई है और ये दूसरा भाई है, इनका नाम मैं भूल गया। तो देखिए हमारी जो गाड़ी है वो बर्फ में से कैसे फिसल रही थी, कल रात को क्या हुआ था ये तो आपने देखा ही है। तो अभी हम निकलते हैं हमारे अगले सफर की तरफ, और अगली वीडियो परसों आने वाली है, और इसके बाद स्पीति वैली सीरीज की सारी वीडियो अल्टरनेटिव डेज पे आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और कंटेंट पसंद आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।